हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 जुलाई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे वीर जवानों को सलाम। आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ है। कारगिल का युद्ध 1999 में मई जुलाई के बीच हुआ था और इस साल हमारा देश 24वां कारगिल विजय दिवस भी मनाने जा रहा है। आज ही के दिन यानी 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराकर जीत का परचम लहराया था। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। इस जीत के लिए कई वीर सपूतों ने भारत माँ के लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया। उनका बलिदान हम सभी भारतीयों के लिए हमेशा प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत रहेगा। जब तक ये दुनिया रहेगी उनको याद किया जाएगा। ये तस्वीरें दोस्तों कारगिल विजय युद्ध में हीरो बने विक्रम भत्रा की। इन पर एक मूवी भी बनी हुई है, आपने देखी होगी, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, चंद्रयान 3 ने 5वीं बार अपना ऑर्बिट बदला। अब 1 अगस्त को चांद की तरफ निकलेगा और फिर 23 तारीख को ये सतह पर लैंडिंग करेगा। अच्छा, सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब नहीं लौटा सकेंगे पुरस्कार। अवार्ड वापसी पर रोक लगाने के लिए संसदीय समिति ने सरकार से सिफारिश भी की है। यानी कि अगर किसी को पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न ये अवार्ड मिले हुए हैं तो वो अवार्ड अपनी वापस नहीं लौटा पाएगा। इसके लिए सरकार एक कानून लेकर आ रही है। हाल ही में आपको पता होगा हमारे देश में पहलवानों ने अपने अवार्ड वापस देने की सरकार को चेतावनी दी थी। तो अब अवार्ड वापसी पर लगाम लगाने की तैयारी है। पार्लियामेंट में इस तरह का कानून भी लाया जाएगा। अच्छा, वही खबर है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर मणिपुर की नारेबाजी भी हुई। इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर भी दिखाए विपक्ष ने। अधीर रंजन चौधरी ने ऐलान किया कि आज कांग्रेस की अहम बैठक भी होगी इस मणिपुर मुद्दे को लेकर। वैसे मणिपुर में 83 दिन बाद अब इंटरनेट की बहाली हुई, यानी इंटरनेट शुरू हुआ, वो भी शर्तों के साथ, सिर्फ ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। मिजोरम राज्य में भी कूके समर्थकों ने रैली निकाली और मणिपुर में लगभग 3 महीने बाद आंशिक रूप से इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाया गया, यानी सिर्फ ब्रॉडबैंड चलेगा, मोबाइल इंटरनेट पर अभी भी पाबंदी लागू रहेगी। अच्छा, वही देखिए, मणिपुर पर संसद में भी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी संजय सिंह को सस्पेंड किया गया। खड़गे का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर देखिए, IMF ने 2023 में भारत अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.1% रहने का अनुमान जताया है। पहले की दर में हल्की सी बढ़ोतरी की और भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के पूर्वानुमान को रिवाइज किया IMF ने। वही देखिए, ब्रिटिश सांसद भी बोले कि भारत साल 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, हम पिछड़ गए। ये शब्द है ब्रिटेन के एक सांसद के। अच्छा, पार्लियामेंट में सरकार ने डेटा भी जारी किया कि एक साल के अंदर अंदर 5 करोड़ से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्ड को रद्द किया गया। इसके पीछे वजह है फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट जॉब कार्ड, स्थानांतरित और भी कुछ ऐसे कारणों के चलते ये जॉब कार्ड रद्द किए गए हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान की अंजू ने पाकिस्तान में दूसरी शादी की। फेसबुक फ्रेंड से कोर्ट मैरिज के लिए इस्लाम कबूल किया और अपना नाम भी अंजू से बदलकर फातिमा कर लिया है। सीमा हैदर के बाद अब भारत से पाकिस्तान गई अंजू काफी चर्चा का विषय बन गई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश है या कुछ और, क्योंकि एक और बड़ा खुलासा देखने को मिला इस मामले में। निकाह के कुछ ही घंटों बाद अंजू का फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला बोला कि मैं अंजू से प्यार ही नहीं करता, जबकि इससे पहले ही हमें उनके निकाह की तस्वीरें देखने को मिली। तो क्या ये तस्वीरें झूठी है? इतना ही नहीं, पाकिस्तान की कोर्ट मैरिज में जो नसरुल्ला और अंजू उर्फ फातिमा की जो शादी हुई, उनका निकाह नामा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पाकिस्तान के स्टाम्प पेपर पर आप ये देख सकते हैं, सरहद पार वाला प्यार। इससे पहले भी भारत में सीमा ने हिंदू धर्म से छोड़कर ईसाई धर्म अपनाकर अरविंद से शादी की थी। अब वापस अपने फेसबुक दोस्त प्रेमी के लिए पाकिस्तान पहुंची और ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। पाकिस्तान जाने के लिए अंजू ने 7 झूठ बोले। पति से कहा मैं जयपुर जा रही हूँ सहेली से मिलने के लिए। कंपनी में उसने बताया कि गोवा जाना है बहन से मिलने के लिए। हैरानी की बात तो ये दोस्तों कि पाकिस्तान जाने के बाद भी अंजू ने वीडियो में कहा था कि मैं यहाँ शादी करने नहीं आई हूँ और ना ही मैं अपना धर्म बदलूंगी, बल्कि मैं तो 1-2 दिन में वापस इंडिया आ रही हूँ। ये बातें वीडियो मैसेज जारी करते हुए अपने पति से भी कही थी अंजू ने। उसके बावजूद आखिर अंजू फातिमा बनकर कैसे नसरुल्ला से निकाह कर सकती है? परिजन बोले कि हमारा तो सिर शर्म से झुक गया। अंजू के पिता का कहना कि जो लड़की घर से गई वो हमारे लिए मर गई। क्या सीमा हैदर का बदला ये पाकिस्तान अंजू से ले रहा है? क्योंकि इस मामले में 5 ऐसी बातें जो पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाती है। बताया जा रहा है कि प्लान के तहत अंजू की प्रेम कहानी को लीक किया गया। अभी इसी वक्त ही पाकिस्तान में अंजू को बुलाना एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। अंजू पर दबाव डालकर वीडियो जारी कराया गया। अंजू का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसका नाम भी बदला गया और अंजू की जबरदस्ती शादी करवा कर निकाहनामा भी वायरल किया गया। ये सब सीमा हैदर का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने जानबूझकर किया। वहीं इधर हमारे भारत के मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी का कहना है, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना कि ये शादी जायज है। भले ही अंजू ने पहले वाले पति को तलाक नहीं दिया, फिर भी हमारे इस्लाम में ये शादी जायज है। पति छोड़ा, लौटने का वादा भी तोड़ा, अपना धर्म भी छोड़कर ईसाई से इस्लाम जोड़ा और नसरुल्ला से निकाह कर रोमांटिक
एक वीडियो भी डाला। बताया जा रहा कि ये सब वीडियो जबरदस्ती बनवाए गए उसे धमका कर, क्योंकि अंजू अभी जिस मुल्क में है उस मुल्क के लोगों की हकीकत हम सभी भली भांति जानते हैं। हालांकि अब भारत सरकार ने भी इस मामले पर जांच बैठा दी है और देखते हैं आगे क्या अपडेट सामने आते हैं। एक भारत की लड़की का सवाल है तो न्यूज अपडेट में आपको बताता रहूंगा। और इधर हम बात करें सीमा हैदर मामले की, तो सीमा का प्रेमी सचिन घर से गायब है। बताया जा रहा है कि एटीएस पूछताछ के लिए सचिन को फिर से उठा ले गई और सीमा को डिटेंशन सेंटर भी भेजा जा सकता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हसीना सीमा हैदर की सचिन मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि सचिन के रिश्तेदारों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है एटीएस। भारत में घुसने के लिए सचिन ने सीमा हैदर के लिए प्लान ए और प्लान बी बनाया था। 15 दिन का नेपाल वीजा ही इस प्लान का बड़ा हिस्सा था। बॉर्डर पर चकमा देकर के प्लान को अंजाम दिया गया। तो ये सीमा हैदर से जुड़े अपडेट्स हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक 7 लाख लोगों ने आवेदन किया और 158 करोड़ रुपए क्लेम भी हुए। सरकार का कहना है कि पहले फेज में 4 करोड़ निवेशकों को रिफंड मिलेगा। 18 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने यह पोर्टल लॉन्च किया था, आपको बताओ। अच्छा, वह देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी में राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया। राजभर समाज के लिए योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा। अब आरक्षण वगैरह के फायदे मिलेंगे उनको। अच्छा खबर है कि भारत की आबादी 1 जुलाई को 139 करोड़ हुई। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में ये बात की जानकारी देते हुए कहा कि चीन अभी दुनिया में पहले नंबर पर है, क्योंकि वहां की आबादी अभी 142 करोड़ है। वैसे पूरी दुनिया की आबादी की बात करें तो अभी 8 अरब चल रही है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। अच्छा खबर देखिए, असम की विधानसभा की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। स्पीकर ओम बिड़ला उद्घाटन करेंगे। इमारत में कई नए फीचर्स भी हैं। इसको बनने में 12 साल लगे और असम विधानसभा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 30 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया विपक्ष के नाम पर भी तंज कसते हुए कहा कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। निवेशकों के लिए खबर दोस्तों, विंसिस आईटी सर्विसेज कंपनी का आईपीओ आने वाला है। 121 से 128 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय हुआ। 1 अगस्त को इसका आईपीओ खुलेगा। सेबी की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी की गई। विकास परियोजनाओं का पैसा निजी कामों में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया दिल्ली सरकार पर। वैसे दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, अब संसद में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। अच्छा खबर है कि सेबी जल्द ही इंट्राडे ट्रेडिंग के नियमों में भी बदलाव कर सकता है। वर्तमान में भारतीय बाजार में T1 प्लस ट्रेडिंग सिस्टम लागू है, इसमें बदलाव करने की प्लानिंग है सेबी की। अच्छा खबर आ रही दोस्तों, आरबीआई ने एक और कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और ग्राहक अपने ही खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, लिमिट लगा दी गई है। रिजर्व बैंक की तरफ से बेंगलुरु स्थित नेशनल कोऑपरेटिव बैंक को लेकर यह फैसला लिया गया। आरबीआई का कहना है कि खाताधारक अपने खाते से 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। आपको बता दूं, इस बैंक की राजधानी बेंगलुरु में 13 शाखाएं हैं और इस बैंक पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, जैसे बैंक नए लोन जारी नहीं कर सकता है और आपके जमा पैसों में से आप 5 लाख रुपए तक का दावा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 50,000 रुपए ही निकालने की इजाजत है। आरबीआई की तरफ से 24 जुलाई को इस बैंक के ऊपर भी ये पाबंदियां लगाई गई हैं अगले 6 महीने तक के लिए। वैसे बैंकिंग न्यूज की बात हो रही है तो देखिए, अगले महीने अगस्त में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, कामकाज नहीं होगा। 4 रविवार आएंगे, 2 शनिवार के अलावा 8 दिन और अलग अलग जगहों पर बैंकिंग हॉलीडेज रहने वाली है। कुछ त्योहार फेस्टिवल वगैरह भी रहेंगे इसके चलते। ये आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं तारीख वाइज अलग अलग बैंक में कितनी छुट्टियां रहने वाली है अगस्त में और किस किस वजह से, है ना। अच्छा खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, इस पर आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें मुख्य समाचार एक साथ मिल जाते हैं। और प्यार से दिल से एक लाइक भी कर देना फटाफट से, है ना। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे ले चलता हूँ खबरों में। देखिए आप, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बन रहा है, इसके चलते 12 राज्यों में अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। उड़ीसा आंध्र प्रदेश समेत कई जिलों में इस तूफान की वजह से भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती है। 25 से 27 जुलाई के बीच उड़ीसा के तटीय इलाकों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। मछुआरों को समुद्री इलाकों में जाने से मना किया मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन तक। उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। तो वहीं देखिए, यमुना नदी फिर से उफान पर चल रही। मथुरा में खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर जल स्तर पहुंच चुका है। एक बार फिर से बाढ़ की आहट ने लोगों की नींद छीन ली। हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। 27 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी। यमुना के बाद हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा। नोएडा में सैकड़ों वाहन डूबे। हिमाचल में 24 दिन में 27 बार बादल फटे। 158 लोगों की मौत हुई। पंजाब में आज भी बारिश का अलर्ट है। भाखड़ा डैम में पानी खतरे के निशान से 25 फीट नीचे पहुंच चुका है। करतारपुर साहिब के लिए यात्रा भी शुरू हो गई। वैसे पंजाब में भी अभी दोस्तों 19 जिलों के 1500 गांवों में अभी बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है, लेकिन अभी भी पंजाब राज्य को बाढ़ प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया गया। अतिरिक्त मदद मिलने की संभावना नहीं है। अच्छा पंजाब में तो बाढ़ के बाद डेंगू की दहशत भी हो रही है। कई जगहों पर डेंगू के काफी ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो मच्छरों से बचाव करें, जितना ज्यादा हो सके बेहतर रहेगा। हरियाणा में देखिए, आज 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में आज, कल और परसों
भारी बारिश की चेतावनी है। 28 जुलाई तक रामपुर ठियो के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर मुरादाबाद में बारिश हुई। 28 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी कई जिलों में। झारखंड का मौसम फिर से लेगा करवट। 25 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी। हिमाचल के कुल्लू चंबा में फटे बादल, 5 घर बहे। होली में हाइड्रो प्रोजेक्ट की मशीनरी को भी नुकसान हुआ। राजस्थान में उफान पर आई गग्गर नदी, अमरपुरा सिलवानी के बीच एक बंदा भी टूट गया। 200 बीघा फसल चौपट हो गई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए सोना 150 रुपए सस्ता हुआ, चांदी भी 300 रुपए की गिरावट आई। अभी सोने का रेट 60,200 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 76,700 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है ना। और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए यूपी में सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। जेल में कैदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उसके आधार पर जेल के कैदी नौकरी भी पा सकेंगे। अच्छा, बिहार सरकार का नया प्लान, बिजली चोरी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगा बिजली विभाग। इसके लिए बिहार राज्य में 1 अगस्त से ही रेड एंड FIR मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल शुरू किया जा रहा है और इस पोर्टल का मकसद है AI के जरिए बिहार में बिजली चोरी पर रोक लगाना। बड़ी खबर आ रही है, भारत में बढ़ रही आंखों की बीमारियां, अंधापन। एम्स के 17 विजन सेंटर्स पर फ्री में इलाज भी करा सकते हैं आप। दिल्ली NCR में और भी इस तरह के विजन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि आजकल आपको बताऊंगा हमारे देश के कई राज्यों में आई फ्लू काफी ज्यादा बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में भी देखिए तेजी से फैल रहा आई फ्लू। बिलासपुर में 2 दिन में ही 500 मरीज मिले। दुर्ग में स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हुए। आई फ्लू होने के बाद आंखें आने लगती है, सूज जाती, लाल लाल होती है, आंखों में खुजली चलती है। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करें। मेडिकल भाषा में इसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां रख सकते हैं आप। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये बीमारी तेजी से फैलती है और इसीलिए बच्चे जितना हो सके आइसोलेशन में रहें। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, महंगाई दर मापने के लिए नई तकनीक इस्तेमाल की जाएगी, ऑनलाइन सेवाएं भी इसमें शामिल होगी। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से यह नया प्लान बताया गया है। देश भर में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये एक नई शुरुआत की जा रही है। अब इसके लिए सरकार ने क्या प्लान बताया, जानकारी आप देख सकते हैं। महंगाई के आंकड़े जुटाएगी सरकार और आंकड़े जुटाने में भी नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। मुद्रा स्फीति की दर को निर्धारित करने की भी कवायद है। दैनिक उपभोग की चीजों पर सरकार अब मॉनिटरिंग रखेगी, जैसे दाल चावल कपड़े गहने वगैरह। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन बाजार पर भी मॉनिटर किया जाएगा सरकार के द्वारा। अच्छा खबर देखिए, भारतीय सेना में अब नहीं दिखेंगे गोरखा, नेपाल ने रोकी गोरखाओं की नियुक्ति प्रक्रिया। खबर है दोस्तों, देश में इस हाईवे पर बनेंगे 4 छोटे जंगल, अनोखा प्रयोग करने जा रही सरकार। 9,000 करोड़ की लागत से मेगा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे 48 पर हरियाली को बढ़ावा देने के लिए मियावाकी तकनीक के जरिए 4 छोटे जंगल विकसित किए जाएंगे। खबर देखिए, पंजाब के बड़े शहरों में शुरू होगी शटल बस सेवा। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब के मोहाली से शुरू होने जा रही है। मकसद है ट्रैफिक जाम और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से निजात पाना। वैसे हरियाणा में लिंगानुपात आजकल काफी कम हो रहा है और आरोप है कि पड़ोसी राज्यों में भ्रूण लिंग जांच के चलते ये लिंगानुपात बिगड़ रहा है। हरियाणा के 7 जिलों में तो 900 से भी नीचे पहुंच चुका आंकड़ा। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक हुई, 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। किसानों, बच्चों और अन्य अधिकारियों के लिए भी खुशखबरी है। नीतीश कैबिनेट बैठक में राज्य के अलग अलग आयोग, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों के वेतन मानदेय को लेकर भी समान करने की स्वीकृति दी गई है। अच्छा, इसके अलावा स्कूलों में एक नया नियम लागू किया जाएगा, बच्चों को हर सप्ताह बुधवार और शुक्रवार को भुनी हुई मूंगफली दी जाएगी बच्चों में न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करने के लिए। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा नगर निगम और परिषद में अनुकंपा के आधार पर नौकरियां भर्ती होगी। बिहार सरकार ने 3 डॉक्टरों को भी बर्खास्त कर दिया, वजह क्या है देख सकते हैं। और वाहन चालकों के लिए भी बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में एक फैसला लिया गया, इसकी भी जानकारी आप थोड़ा विस्तार से देख सकते हैं, ठीक है। और अगली खबर देखिए आप, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, खनिज विकास का महत्वपूर्ण योगदान भी बताया। बड़ी खबर है, रासायनिक दवाओं से संभव होगा कोरोना का इलाज, वैज्ञानिकों ने नई रासायनिक इकाई खोजी है और इसका चूहों पर ट्रायल भी सफल रहा। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना के खिलाफ ये खोज एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी और दुनिया से इस महामारी को परमानेंटली खत्म करने का इलाज भी इसमें मिल सकता है। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात तो ये दोस्तों कि ये तकनीक भारतीय वैज्ञानिकों को कामयाबी हासिल हुई है। अच्छा खबर देखिए, देश भर की पंचायतों की मिट्टी से दिल्ली में बनेगी अमृत वाटिका, अगस्त में शुरू होगा यह अभियान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 9 से 30 अगस्त तक सभी पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर मेरी माटी मेरा देश थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और देश भर की अलग अलग जगहों की मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका भी बनाई जाएगी। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सरकार ने भले ही टारगेट रखा है साल 2025 तक हमारे देश से टीबी को खत्म करने का, लेकिन ऐसे कैसे खत्म हो पाएगा टीबी, क्योंकि वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंडोर प्रदूषण देश में क्षय रोग यानी कि टीबी को बढ़ा रहा है। वैज्ञानिकों के शोध में हैरान करने वाले परिणाम सामने आए हैं। वायु प्रदूषण होने की वजह से टीबी का खतरा दिन और बढ़ रहा है और आपको पता होगा दिल्ली वगैरह में तो पॉल्यूशन कितना हमारे देश में। अच्छा खबर है दोस्तों, दिल्ली NCR में अब आप पेटीएम के जरिए भी 70 रुपए प्रति किलो के टमाटर ऑर्डर कर पाएंगे, इसके लिए कंपनी ने एक साझेदारी भी की है। अच्छा, ओल्ड पेंशन को लेकर देखिए बड़ी खबर, इस राज्य के कर्मचारियों के लिए भी खुल गई ओल्ड पेंशन की राह। कैबिनेट में OPS लागू करने को मंजूरी मिल चुकी है और वो राज्य है झारखंड सरकार। मंगलवार को कल कैबिनेट ने फाइनली झारखंड में पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का फैसला किया। ये देख सकते हैं झारखंड
के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कुछ और फैसलों की जानकारी दी गई। कैबिनेट बैठक के ये कुछ मुख्य निर्णय रहे। थोड़ा सा स्क्रीन पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अभी तक दोस्तों किन किन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो चुकी है, उनमें शामिल है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ओपीएस को वापस लागू करने के फैसले के बारे में केंद्र को सूचित भी किया है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, ई वीजा चाहिए तो सावधान हो जाएं, फर्जी वेबसाइटों की आपके ऊपर नजर है। लोकसभा में सरकार ने यह खुलासा भी किया। वीजा एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन कई सारी ऐसी फर्जी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिनके जरिए आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, और इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट का ही चयन करें अप्लाई करने दौरान, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, ओला, उबर, रेपिडो जैसी कैब सर्विस दिल्ली में चलेगी या नहीं, इस मामले पर 3 अगस्त को कोर्ट का फैसला आएगा। राज्य सरकार ने कोर्ट से और समय मांगा। अच्छा खबर देखिए, टेस्ला का 20 लाख रुपए में कार बनाने का प्लान। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भारतीय बाजार के लिए होंगे और एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ एलन मस्क की मीटिंग भी हुई। अच्छा बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कल 27 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी डिजिटली तरीके से कनेक्ट होंगे। ये मेडिकल कॉलेज करौली मंडरायल मार्ग पर बनाया गया है। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, कल 27 जुलाई को 2,000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी जारी कर दी जाएगी सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप, 27 तारीख से पीएम मोदी गुजरात राज्य का दौरा भी करेंगे। यहां भी गुजरात के सौराष्ट्र की जनता को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं पानी वगैरह को लेकर। 27 और 28 दो दिन गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पहले दिन तो मंत्रियों की क्लास लेंगे, उसके बाद काफी नई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकान्यास, शिलान्यास भी करेंगे, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और खराब फसलों का मुआयना किया। दोबारा धान की रोपाई करने वालों का सर्वे भी करवाया जाएगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। हरियाणा पीजीटी पदों के स्क्रीनिंग की टेस्ट डेट फाइनल हो चुकी है। 9 और 10 सितंबर को एग्जाम होगा, शेड्यूल भी जारी हो चुका है। वहीं हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती का रिवाइज रिजल्ट तैयार है, 32,000 पद भरे जाएंगे, पीएमटी शेड्यूल के साथ जारी होगा। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में बनेंगे शानदार हॉस्टल, 49 करोड़ रुपए देगी पंजाब की भगवंत मान सरकार, ऐलान कर दिया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कुछ खबरें देखिए दोस्तों, टाटा पंच ने सीएनजी का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। ट्विन सिलेंडर वाली माइक्रो एसयूवी जल्द ही लॉन्च की जाएगी, हुंडई एक्सटर से इसका मुकाबला होगा। तो वहीं इधर देखिए, होंडा ने भी एलिवेटेड के माइलेज का खुलासा किया और कहा कि मिड साइज एसयूवी 1 लीटर पेट्रोल में 17 किलोमीटर चलेगी। हुंडई क्रेटा से इसका कॉम्पिटिशन होगा। एनिग्मा एम्बियर कंपनी ने एनेट इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में लॉन्च कर दिया। सिंगल चार्ज में 250 किलोमीटर की रेंज का दावा, शुरुआती कीमत 1,05,000। अच्छा खेल समाचार पर खबर है, बीसीसीआई ने मार्च तक का होम कैलेंडर जारी किया। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे मैच भी खेलेगी टीम इंडिया, ये देख सकते हैं आप शेड्यूल भी। अच्छा, कल रेलवे की आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग सर्विस 5 घंटे बाद शुरू हुई, शटडाउन हो गई थी। यूजर्स के कई बार पैसे भी कट गए, हालांकि जो जिन लोगों के ज्यादा पैसे कट गए वो रिफंड वापस कर दिए जाएंगे रेलवे की तरफ से। अच्छा, एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण भी बताया। उनका कहना कि फाइनेंशियल सर्विस भी देगी अब कंपनी, इसलिए ट्विटर नाम का कोई मतलब नहीं रहता। आपको बता होगा ट्विटर का लोगो भी चेंज कर दिया एलन मस्क ने, चिड़िया उड़ गई फुर, एक्स आ गया ट्विटर पर। बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में 2-व्हीलर पार्किंग को फ्री कर दिया, कार चालकों को 12 की जगह 15 रुपए और बाहर से आने वाले वाहनों पर दोगुने दाम देने होंगे। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 में दिखेगा उत्तर प्रदेश का दम। 20 से 25 दिन अखिलेश, जयंत, तेजस्वी के साथ राहुल गांधी फिर से यात्रा करेंगे। यूपी के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में फैसला हुआ सुरक्षित, 28 अगस्त को आएगा फैसला। एएसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल रिट पिटीशन पर सुनवाई होगी आज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5 साल में क्या काम किया, पूछेंगे पीएम मोदी। एनडीए सांसदों का रिकॉर्ड कार्ड देखेंगे, सेल्फ असेसमेंट ही दिलाएगा टिकट। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला देखिए, भूतपूर्व सैनिकों और दिवंगत की पत्नियों की सम्मान निधि राशि को बढ़ाया गया, अब 15,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। गृह मंत्री बोले कि आजीवन कारावास वाले 182 कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। अच्छा, पंजाब में ट्रैफिक विंग की हाईटेक टेक्नोलॉजी देखिए, हर दिन औसतन 3 गाड़ियों की चोरी हो रही है। अब चोरों को पकड़ने के लिए हाईटेक बैरियर भी लगाए जाएंगे पंजाब सरकार की तरफ से। अच्छा खबर की, देश का सबसे बड़ा 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए एनएचएआई ने वन विभाग से फॉरेस्ट क्लियरेंस मांगा, 2 साल में इसका काम पूरा करने का टारगेट रखा है। NH-33 पर बनने वाले डबल डेकर निर्माण के लिए ये वन विभाग की तरफ से स्वीकृति मांगी गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद में भी देखिए, 12 दिन में आई फ्लू के 1200 से ज्यादा मरीज सामने आए, अस्थायी कैंप लगाकर लोगों का इलाज भी कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को अब मिलेगा 1 लाख रुपए मानदेय और भत्ता, सरकार की तरफ से एमपी गवर्नमेंट ने ये भी नियमों में बदलाव किया है। अच्छा, इंडिया यूएस के बीच खबर है कि केंद्र सरकार ने डीएनए टेक्नोलॉजी बिल वापस लिया। 5 दिवसीय दौरे पर आज भारत भी आ रहे हैं जॉन केरी, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत कहे जाते हैं, है ना। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, मेष राशि वालों का रुका पैसा मिलेगा, मकर राशि वालों को किस्मत का साथ और तुला राशि के लोगों को प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। पुराने कामों का फल मिलेगा और पैसों से जुड़े काम आसानी से आगे बढ़ेंगे, मेहनत करते रहें तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, है ना। और आज का रियलस माइंड क्विज क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली विद्युत रेल किस साल चलाई गई। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 1853, 1906, 1919 या 1925 में। एबीसीडी विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक
लाइक करना, शेयर करना, DLS News चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।